नमस्कार दोस्तों, ऑल हिंदी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप फोन पे चलाते हैं और फोन पे से अगर आपका डबल ट्रांजेक्शन हो गया है, यानी आपने किसी को पेमेंट करना था और वो डबल बार आपने पेमेंट कर दिया है, या फिर आपने डबल बार मोबाइल रिचार्ज कर लिया है, या फिर आपने डबल बार इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया है, या फिर आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया वो डबल बार हो गया है, जो कि आपकी गलती से सेकंड वाला जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वो जो पैसा अगर आपको रिफंड लेना है, उसको रिफंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। उसके बाद में आपको फोन पे को ओपन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर हिस्ट्री के बटन पर क्लिक कर लेना है। जो आपने डबल ट्रांजेक्शन किया वो सबसे टॉप पे आएगा, जो आपने सेकंड ट्रांजेक्शन किया है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैंने क्लिक कर लिया है। उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट मोड टू रॉन्ग अकाउंट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। जो आपका ट्रांजेक्शन किया है उसका टिकट नंबर यहाँ से जारी होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैन माई बैंक रिवर्स दिस पेमेंट, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दोबारा वेट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपके जो पेमेंट का जो टिकट नंबर भी बता दिया जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है टीम विल रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके फोन पे के नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा जो आपका जो डबल पेमेंट हो गया उसके रिफंड के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना जो रिफंड, अगर डबल बार आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर दिया तो आप जैसे ही वो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके 4 से 5 मिनट के अंदर ही ये प्रोसेस आपको कर देना है, तो आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। और अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो शायद आपको अपना आपका जो पैसा है वो वापस ना मिले, तो आपको ये जो प्रोसेस है वो तुरंत ही कर देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगली नए वीडियो के साथ में।